आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। पहली चीज, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमें आशीर्वाद, इच्छा, प्रार्थना, कामना इनका बोध होता है। ये चीजें बताई जाती हैं, वो किसमें आती हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में नंबर एक, विश। विश मतलब होता है इच्छा किसी की। प्रे मतलब प्रार्थना करना, कर्ज मतलब अभिशाप देना, और ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना। अब इसमें हमारा मार्क जो होता है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में लगता है उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी लगा होता है। तो पहली चीज तो हमारी चीज समझ में आना चाहिए सबके, भी जो इसमें क्या क्या चीजें होती है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इच्छा प्रकट की जाती है, प्रेम प्रार्थना की जाती है, कर्ज अभिशाप किया जाता है, और ब्लेस आशीर्वाद दिया जाता है। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमारा इस प्रकार बनता है, मान लो इसकी ज्यादातर शुरुआत किससे होती है? मे से। उसके बाद लिखा होता है सब्जेक्ट, फिर लिखा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं ऑब्जेक्टिव जिसमें मे से शुरुआत नहीं होती है, वो डायरेक्ट लिखे होते हैं। तो उसको हम वो कैसे हम पहचानेंगे? वो उसकी शुरुआत होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वो शुरुआत होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो इस तरह से भी हमको मिलेगा, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसमें लगा क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। इस तरह से भी हमें जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है वो मिलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की पहचान, की ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कैसे लिखे होते हैं और उनको हमको कैसे पहचानना है। तो उनकी शुरुआत मे से होगी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, और लास्ट में क्या लगा होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कुछ लोगों को कंफ्यूजन यह होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इंपरेटिव सेंटेंस में लगी होती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि इसमें जो हमारा मे होता है वो अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट भी अंडरस्टूड रहता है, सब्जेक्ट सामने वाला होता है, इसीलिए सब्जेक्ट को अंडरस्टूड रखते हैं। तो इसकी शुरुआत हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क से करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में यह होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है, ना कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो अब इसको बात खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। तो इसमें जो सेड होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग जो हमारा डायरेक्ट होता है, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें दो भाग है, एक है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा सिंगल कॉमा में लिखा जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा जाता है। तो बेटा ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेट लिखा होता है, उस सेट को हमको किसमें बदलना है? वाक्य जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अनुसार हमको उस सेट को विश्व में बदल सकते हैं, प्रेड में बदल सकते हैं, कर्ज में बदल सकते हैं, ब्लेस्ड में बदल सकते हैं। मतलब कहने का है कि जो सेंटेंस का भाव है, उस भाव के अनुसार हम सेट को विश्व में बदलेंगे, प्रेड में बदलेंगे, कर्ज में बदलेंगे और ब्लेस्ड में बदलेंगे। इसमें हम बदल सकते हैं। फिर बात आती है कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमको लगाना क्या है उसकी जगह? दैट। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे? दैट। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, उस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। जब हम असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, सब्जेक्ट उसके बाद मे आ जाएगा, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इस एक्सक्लेमेशन मार्क को हम बदल देंगे जिसमें फुल स्टॉप के मार्क में या फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बेटा इस सेंटेंस को हमको इस तरह से बदलना है। अब हम आगे देखेंगे इसके एग्जांपल। ही सेड टू मी, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। शुरुआत है बेटा मे से और लगा है लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो।
तो इसमें वो मुझे क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है, आशीर्वाद कर रहा, मतलब ब्लेस कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेड को बदल देंगे ब्लेस्ड, ही ब्लेस्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के मी, ही ब्लेस्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, दैट। फिर ये हमारा सब्जेक्ट यू, जो हमारा सेकंड पर्सन होता है, इसको हम बदलते हैं 123 बटे सन के अनुसार। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के लिए नोजेन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मे, यू लिखा है, यू को हम बदलेंगे मी के हिसाब से। यो हमारा है सब्जेक्ट की पोजीशन पे और मी है हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। तो जब ये ऑब्जेक्ट, जब इसको हम इससे बदलेंगे, तो इसकी पोजीशन अगर सब्जेक्ट है तो इसकी पोजीशन भी सब्जेक्ट वाली ही तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखी जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई, ही प्लेस्ड मी दैट आई, मे को अंदर ले जाकर हम बदल देंगे माई में, ही प्लेस्ड मी दैट आई माई। इसके बाद हमारा हैव अ हैप्पी जर्नी का, हैप्पी जर्नी वैसे का हम वैसा लिख देते हैं। अब अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, ही सेड टू मी मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, तो ये हो जाएगा ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी। उसके बाद हम लिखेंगे अगला सेंटेंस, जैसे बोला गया ही सेड, सिंगल डबल इनवर्टेड कॉमा, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमारा है नहीं, कि है ऑब्जेक्ट तो है नहीं हमारा, तो करना कैसे है, जब यहाँ पर रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हमारा गॉड होता है, सब्जेक्ट यदि गॉड होता है तो इस सेड को हमको बदलना होता है प्रेड। मान लो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू था, तो हमने क्या लिखा, सेड को बदल दिया ब्लेस्ड में, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है गॉड, तो जब हमारा सब्जेक्ट गॉड है तो गॉड के लिए हम ब्लेस्ड और ब्लेस्ड तो लगाएंगे नहीं, उससे हम सिर्फ हमेशा क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एज ए रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना होती है ईश्वर से हमारी। तो जब यहाँ पर हमारा गॉड लिखा है तो गॉड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट को हम बदलेंगे प्रेड में। तो हमने लिखा ही प्रेड, क्या लिख दिया, ही प्रेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के हम लगाएंगे दैट, फिर सब्जेक्ट हमारा गॉड है, गॉड को हम गॉड लिखेंगे और मे को अंदर ले जाकर हम कर देंगे माइक, ही प्रेड दैट गॉड माइक हेल्प का हमारा हेल्प रहेगा। और यू को हम अगर इसके यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानते हैं, अगर यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ पर हम मी लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर हम थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो यहाँ पर हम हिम लगा सकते हैं। तो मान लो हमने क्या किया, क्या किया कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यही हो सकता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट पर्सन। तो हमने क्या किया, यू को हमने मी से बदला, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, मी। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, इस तरह से हमने इस सेंटेंस को किया। अब आगे हम देखते हैं इसके आगे, ही सेड, He said to me, may you die, may you die, तुम क्या हो, मर जाओ, या ऐसे कहा जाए कि जाओ नर्क में जाओ, बोलते may you go to hell। जब ये कब कोई बोलता है हमको, ये तभी बोलता है जब हम कोई काम बिगाड़ते हैं किसी का, या किसी की बात नहीं मानते हैं, या किसी को परेशान करते हैं, तब वो हमें क्या करता है, उल्टी सीधी पर दुआएं देता है। वो उल्टी सीधी पर दुआ को जब होती है तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को हमको किस में बदलना है, कर्स। यहाँ पर ही सेड टू मी लिखा है, मे यू डाई, देखा गया ही सेड टू मी मे यू डाई, तो इसमें एक बद्दुआ, ये सेंटेंस का भाव है बेटा बद्दुआ, तो बद्दुआ दी जा रही है, तो हम कैसे करेंगे, ही सेड को हम बदल देंगे कर्स, कर्स्ड में बदल दिया। कर्स्ड का मतलब होता है अभिशाप देना, ही कर्स्ड, फिर यहाँ पर लिखा मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के हमने लगा दिया दैट,
और सब्जेक्ट हमारा है यू, यू को हम जब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मी, तो इस मी को हम जब सब्जेक्ट में लाएंगे तो हो जाएगा हमारा आई, और मे को हम ले जाके बदल देंगे माइक में, उसके बाद लिखेंगे डाई और लगा देंगे पुलिस का। तो सी इतने जैसे बोला गया ही सेड टू मी मे यू डाई, ही सेड टू मी मे यू डाई, उसने बतुआ दी, तो उसके सेड को हमको किसमें बदलना है, कर्स्ड में। तो ही कर्स्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पहले आपसे बताया कि जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो उसके स्थान पर हमको लगाना क्या है, दैट, और सब्जेक्ट को जो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, उसको हमने बदला ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को बेटा बदला मी से तो क्या आ जाएगा, आई, और फिर आएगा माई डाई। तो ये हो गया ही सेड टू मी मे यू डाई, तो इसको ऐसे बदलेंगे ही कर्स्ड मी दैट आई माई डाई, ये हो गया। अब इसको हम फिर से एक बार देखते हैं कि बेटा ध्यान देना है, समझना है इसमें कि अगर यहाँ पर आई ही सेड टू मी लिखा है, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो सेड को हमको बदलना है ब्लेस्ड में। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना होने पर यहाँ पर लिखा है गॉड, क्या लिखा हुआ है गॉड, तो इसके सेड को हमको बदलना है प्रेड में। फिर इसी तरह से अगर किसी बात जो रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब की बात नहीं हो रही, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच की बात होगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई बथुआ है, जैसे मे यू डाई या मे यू गो टू हेल्प, इस तरह की बात आती है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंस को हमें कर्स्ड में बदल देना है। अब हम देखेंगे आगे, शुरुआत में होती जिनकी शुरुआत मे, रिपोर्टेड स्पीच में क्या नहीं लिखा होता, मे से शुरुआत उनकी नहीं होती, मतलब ये होता है कि मे उसमें अंडर स्टूड रहता, अंडर स्टूड मतलब क्या होता है, छिपा रहता। तो इसके बाकी जैसे हम करके आए हैं उसी तरह से ये भी हमको करना है। तो जैसे बोला गया सी सेट गॉड ग्रांट यू सक्सेस, उसने कहा ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, सफलता दे या प्रदान, तो बेटा वो तुम्हें ब्लेस कर रहा है, ये लड़की क्या कर रही है, ब्लेस कर रही है, सी सेट मतलब उसने कहा या उसने आशीर्वाद दिया। तो हम इसको ऐसे करेंगे सी सेट को लिख देंगे किसमें बदल के, ब्लेस्ड में, हमने लिखा सी ब्लेस्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट लगाया सी ब्लेस्ड दैट, फिर यहाँ पे गॉड लिखा है, गॉड लिखा हुआ है तो सी ब्लेस्ड दैट गॉड, उसने क्या किया, ब्लेस किया। फिर उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा इसमें कौन है, यू सक्सेस, गॉड ग्रांट यू सक्सेस, गॉड ग्रांट यू सक्सेस, सब्जेक्ट हमारा कौन है गॉड और ऑब्जेक्ट हमारा है यू। पीछे हमने बताया कि जिसमें सब्जेक्ट गॉड होता है उसको हम किसमें बदलते हैं, प्रेड में, लेकिन यहाँ हम प्रेड में नहीं बदलेंगे क्योंकि उसने क्या किया, मुझे आशीर्वाद किसे दिया है, मुझे दिया, तो ही सी ब्लेस्ड मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, मी, तो सी ब्लेस्ड मी मान लिया। उसके बाद क्या लिखा है, अब यू हैव गॉड हमारा सब्जेक्ट है तो गॉड लिख देंगे, फिर जो हमारा मे अंडर स्टूड है तो उसमें तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें हम मे को माइट में बदल कर लिखेंगे, तो सी ब्लेस्ड दैट गॉड माइट, फिर उसके बाद हमारा ग्रांट वर्ब है तो ग्रांट को लिखेंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन और ये ऑब्जेक्ट केस में है तो इसको जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर हमने माना है मी, फर्स्ट पर्सन क्या माना है मी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही सेड टू मी, या ऐसे बोला सी ब्लेस्ड दैट गॉड माय ग्रांट मी सक्सेस, इस तरह से। दूसरा देखते हैं He said to me, you be happy. उसने wish किया, wished, मुझे क्या दिया, आशीर्वाद, तो he wished me, उसने किया, he wished me, comma inverted comma हटाएंगे, क्या लगाएंगे, that, you को me से बदलेंगे, क्या आएगा, I, फिर यहाँ पर हम me को अपने हिसाब से, me हमारा under student, तो हमने लिखा, I, my, उसके बाद लिखेंगे, be, उसके बाद हमारा आ जाएगा, happy. He wished me that I might be happy. उसके बाद हमारा आता है be said. God save the president. God save the president. तो यहाँ पर be said.
गॉड सेव द प्रेसिडेंट, यहाँ हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इस तरह से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेट को किसमें बदलेंगे, प्रेड बी प्रेड, क्या लिखा हमने, बी प्रेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट, बी प्रेड दैट गॉड का गॉड से रखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे माइट, गॉड माइट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे सेव, उसके बाद द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वी प्रे दैट गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट। तो जिसमें हमारा में अंडरस्टूड होता है डायरेक्ट स्पीच में, उसको हम इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद माइट में बदल कर लिख सकते हैं इसके अनुसार। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जो एकदम छोटे से होते हैं, जैसे बोला गया गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड बाय या फेयरवेल, तो इन सब के सेट को हम किस में बदलते हैं उसको ध्यान से देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें, मान लो कुछ सेंटेंस हमारे जैसे इस तरह से बोलते हैं हम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, इस तरह से हम बोलते हैं दूसरे को, या ऐसे बोलते गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल। तो बेटा अगर इनकी बात आती है गुड मॉर्निंग की, गुड आफ्टरनून की, गुड इवनिंग की, या हैप्पी बर्थडे की, या हैप्पी होली की, तो इसके सेट को क्या करते हैं, इसके सेट को हमको बदलना किस में है, विश्व में, इसके सेट को हम बदल देते हैं विश्व में। और अगर बात आती है गुड नाइट, गुड बाय या फेयरवेल की, तो इसके सेट को हम बदल देते हैं डेट में, इसके सेट को हमको बदलना, अगर ये आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसके सेट को हमको बदलना है पेड में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये आते हैं तो उसको हमको बदलना है रिस्ट में। अब हम एग्जांपल देखते हैं, मान लो ऐसे बोला गया, जैसे किसी लिखा हुआ है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इसको हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर बदलना है तो कैसे करेंगे, आई विश्ड हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के कुछ भी नहीं लगा, यही चीज तो ध्यान देनी है, जब इस तरह का सेंटेंस आएगा तो हमको ना दैट लगाना है ना टू लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या लिख देना है, गुड मॉर्निंग। बात समझ में आ गई सबके, इस तरह से हमको करना, जैसे आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग तो आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग, इसी तरह से बोला गया माय फादर सेड टू मी गुड नाइट या गुड बाय, क्या बोला, गुड बाय, इस तरह से बोला गुड बाय। तो इसको हमको कैसे करना है, इसको हम ऐसे करेंगे माय फादर, अब जब विदा लेने की बात है, गुड बाय का मतलब विदा लेना, कहीं दूर जाना, तो माय फादर बेड, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बेड मी, माय फादर बेड मी गुड बाय, गुड बाय। देख लेते हैं इसको हम फिर से कायदे से, जैसे बोला गया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी गुड नाइट, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, किसी ने मुझे क्या किया, व्यस्त किया कि गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, तो इसके सेट को यहां पर गुड नाइट लिखा हुआ बेटा, तो ही विश्ड नहीं लिखेंगे, लिखने को तो लिख सकते हैं विश्ड या बेड, दोनों में से ऑप्शनल है, लेकिन बेड ज्यादा सही है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बेड, ही बेड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगाया, दैट का प्रयोग करना ही नहीं है तो दैट टू लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, गुड नाइट, गुड नाइट, उसके बाद एंड स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम।
तो ये आज का हमारा इतना हो गया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सबकी समझ में आ गया। तो अब आज में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।